गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग गेयर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग सॉरी फॉर लेट एक्चुअली आज मैंने लेट इसलिए क्लास स्टार्ट की है कि आजकल आपको पता है कि यहाँ ऑफलाइन भी एग्ज़ाम काफ़ी चल रहे हैं आजकल एग्जाम का टाइम है तो ऑफलाइन बच्चे भी काफ़ी होते हैं तो इसलिए क्लास लेट स्टार्ट हुई है थोड़ी चीज़ें तैयार भी करनी थी ठीक है तो स्टूडेंट्स मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत करता हूँ तो जैसे हम हर क्लास एक बहुत ही अच्छे थाट के साथ करते हैं आज का थाट आपके सामने स्क्रीन पर है A beautiful day begins with a beautiful mindset. The moment you start acting like life is blessing, it will start to feel like one. Have a great day, my friends. मतलब क्या है देखिए हर दिन हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और यद उस शुरुआत में आपका एक बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर आर माइंडसेट माइंडसेट नहीं मतलब आपकी लोगों को आपकी चीजों को देखने के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है क्या नजरिया है तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक ब्यूटीफुल माइंडसेट के साथ अपना डे स्टार्ट करते हैं नॉर्मली आजकल क्या हो गया कि लोग उठते ही उठते ही फेसबुक देखेंगे इंस्टाग्राम देखेंगे उठते ही कभी मत देखिए इन चीज़ों कम से कम इन सब चीज़ों को एक घंटे बाद हाथ लगाइए उठने के एक घंटे बाद आप लगा हाथ लगाइएगा कि जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम वैसे तो मैं कहता हूँ तीन चार घंटे बाद लगाइए लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है तो आप एक घंटे बाद हाथ लगाइए इन सब चीज़ों को और एक घंटे बाद आप थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए थोड़ा घूमिए फिरी है, ये सारे काम करेंगे तो इससे आपका क्या होगा दिन बहुत अच्छा होगा ठीक है नॉर्मली लोग क्या समझते हैं लाइफ को एक कर समझते हैं अभिशाप समझते हैं ऐसा नहीं जिस दिन से आप ये समझने लगेंगे कि लाइफ भगवान का दिया हुआ एक बहुत अच्छा वरदान है बहुत अच्छी ब्लेसिंग है तो डेफिनेटली उस दिन से क्या होगा आपका एक बहुत अच्छा दिन स्टार्ट होगा जब दिन अच्छा स्टार्ट होगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा जब पूरा दिन अच्छा जाएगा तो दिन का क्लोजिंग भी रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी इस तरीके से डे बाई डे आपकी अच्छी होती जाएंगी और आप क्या होंगे बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं ठीक है ठीके? बिल्कुल हो सकती हैं यदि आप इन चीज़ों को फील करते हैं तो तो इसी के साथ ही क्लास की शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत करता हूँ हम ये क्लास हफ्ते में तीन दिन करते हैं ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे साइंस की क्लास नाइन्थ के लिए यहाँ एन सी आर डी का करिकुलम फॉलो करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो भी एन सी आर टी का करिकुलम जो भी बोर्ड फॉलो करते हैं उन सब के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं साइंस के आपको नोट्स भी हैं अवेलेबल जो आप या तो डायरेक्टली मुझसे परचेज कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन में जाकर के परचेज कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल सकती है एग्ज़ाम में ठीक है और आज हम जो है ये साइंस का पूरा सारे चैप्टर खत्म कर देंगे तो आज साइंस के लिए हमारी लास्ट क्लास होगी इसके बाद अगर कोई डाउट पूछना चाहे तो हम क्लास करेंगे अदरवाइज तो नाइन्थ के लिए साइंस की आज ये लास्ट क्लास होगी और एक नेक्स्ट क्लास में मैथ का फिनिश कर देंगे तो हमारी इस साल की साइंस की क्लास नाइन्थ की क्लास क्या हो जाएंगी ओवर हो जाएंगी फिर टेंथ की क्लास हमारी होंगी चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर कर रहे थे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ट्वेल्थ चैप्टर इसमें हम ऑलरेडी तीन लेक्चर्स पहले कर चुके हैं क्या क्या कर चुके हैं हम देखते हैं पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में ठीक है फूड सिक्योरिटी क्या होती है उसके बारे में हमने बात की थी अब सीरियल पल्सिस फ्रूट्स वगैरह से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमको इसके बारे में बात की थी फोटो पीरियड के बारे में डिफरेंट सीजन ऑफ द क्रॉप्स स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग में मेजर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड्स में ठीक है हाइब्रिडाइजेशन जीएम एम क्रॉप्स के बारे में बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं क्रॉप को ठीक है इक्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या हो सकती हैं डिजायरेबेद वो हमने बात की थी क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके लिए वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ठीक है क्या क्या वेज हैं टू इनकॉर्पोरेट द क्रॉप वैराइटीज ठीक है क्वालिटी कंसिड्रेशन क्या हो सकते हैं क्रॉप्स के ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे ठीक है तो आप देखेंगे प्लान न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था मैन्यूर्स वगैरह के बारे में ये क्वेश्चन हमने किए थे ठीक है फर्टिलाइजर्स है मैन्यर है एडवांटेज क्या है इसके डिसएडवांटेज क्या है दोनों के ठीक है कंपोस्ट पर भी कंपोस्टिंग ग्रीन मैन्य और एडवांटेज ऑफ फर्टिलइजर्स हार्मफुल इफेक्ट्स बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में फिर इससे पिछली क्लास में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया था इरीगेशन के बारे में किया था ठीक है और डिफरेंट काइंड ऑफ इरीगेशन सिस्टम्स क्या हैं वो हमने बात की थी ठीक है कैनाल सिस्टम रिवर सिस्टम्स टैंक्स वगैरह के बारे में हमने बात की थी वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में क्रॉप प्रोडक्शन हाई हील के लिए क्या क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन के बारे में हमने बात की थी ठीक है इसके बाद हमने जो है वीड्स के बारे में बात की थी क्यों उनको नेसेसरी है रिमूव करना पेस्ट के बारे में हमने बात की थी ठीक है क्या मेथड है इनको हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा हमने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए बात की थी और लॉस ऑफ ग्रेन के बारे में बात की थी हमने ठीक है जेनेटिक मैनिपुलेशन के बारे में बात की थी ठीक है आज हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री आज एनिमल हस्बेंड्री करेंगे इसके साथ ही हमारा ये टॉप चैप्टर क्या होगा हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है तो एनिमल हजबेंड्री क्या होती है ठीक है एनिमल मीन्स जानवर जंतु जो होते हैं हस्बेंड्री मीन्स वो एनिमल्स उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं जिनको हम अपने साथ रखते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं तो जैसे डोमेस्टिक एनिमल में कुछ तो हम प्लेजर कुछ तो हम ऐसी शो जैसे आप देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम शो के लिए रखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं ऐसे एनिमल में है जैसे डॉग है कैट है ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं लेकिन इनको हम क्या करते हैं अपने नॉर्मल शौक के लिए रखते हैं इनका कोई वैसा यूज़ हमारे यहाँ नहीं होता है ठीक है सिर्फ एक शौक के लिए हम अपने जो है सेटिस्फैक्शन के लिए रखते हैं लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम जो है जिनसे बेनिफिट्स लेते हैं क्या लेते हैं जैसे काउस वगैरह हैं उनसे हम काव है बफैले जिनको हम कैटल बोलते हैं उनसे हम क्या लेते हैं दूध लेते हैं या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हैं मतलब तो दूध आता है दूसरे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं अब जैसे गोट है गोट से बहुत सारे लोग दूध भी लेते हैं लेकिन मेनली गोट किसके लिए यूज़ करते हैं हम मीट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ऐसे चिकन है चिकन मोस्टली दो पर्पज़ से या तो मीट के लिए या अंडे के लिए यूज़ किया जाता है जैसे फिश है लोग खाते हैं ठीक है या जैसे हनी प्रोडक्शन होता है बी कीपिंग किया जाती है ठीक है तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन के यूज़ की होती हैं तो इनको हम तो इनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री मतलब इनको रखना कैसे है इनको प्रॉपर फूड कैसे देना है इनको बीमारियों से कैसे बचाना है इनको शेल्टर कैसे देनी है मतलब इनके बारे में जो भी रख रक, रखाव जो भी चीज़ें हमको पढ़ना है वो सब किस में आती है हमारी एनिमल हस्बैंड्री में तो मतलब क्या एनिमल हस्बैंड्री क्या हो गई हमारे पास एनिमल हस्बैंड्री हो गई द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि वो एनिमल जो ह्यूमन के काम आते हैं लाइव स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पर वो एनिमल्स जो ह्यूमन के यूजफुल होते हैं उनको हम क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है दो वर्ड होते हैं एक वेटनरी साइंस और एक एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस में सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है एक्सेप्ट ह्यूमन लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी ह्यूमन के पर्पज में आती हैं ह्यूमन के यूज में आती हैं तो इसमें क्या क्या हो गया वेरियस आस्पेक्ट जैसे फीडिंग मतलब उनको खाना पीना कैसे देना है ब्रीडिंग मतलब उनका रिप्रोडक्शन बढ़ा उनको कैसे ग्रो कराना है उनको कैसे नंबर्स में बढ़ाना है डिजीज़ कंट्रोल मतलब उनके पास डिजीज ना तो होने देनी है हो जाए तो उनको हमको कैसे इनको बनाना है तो एनिमल हस्बेंड्री में आपको समझ में आ गया होगा हम उन एनिमल्स के बारे में उनके रख रखाव किस तरीके से क्या मैथड्स वगैरह हैं वो हम पढ़ेंगे जो हमारे खुद के यूज में आते हैं आई होप दिस इज क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई डू वी नीड टू इम्प्रूव द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन यहाँ पर मतलब क्या है कि जो हमारे यूज में जैसे मैंने आपको बताया गोट है काव है बफैलू है फिश है हनी बी वगैरह हैं या चिकन वगैरह हैं ये सब के हमारे लाइव स्टॉक में आते हैं ठीक है तो उनका प्रोडक्शन इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया एनिमल वेस्ट फार्मिंग में क्या क्या हमारे पास कैटल है कैटल में हमारे पास क्या आ जाएंगी काव आ जाएगी एंड बफेलो आ जाएगा गोट है शीप है शीप किसके लिए हम करते हैं शीप का ध्यान रखिएगा दो, ती, दो तीन पर्पज होते हैं शीप के पहला जो शीप मोस्टली क्या होती है पहाड़ों पर पहाड़ों पर ज़्यादा मिलती हैं ठंडे एरिया में तो वहाँ पर क्या है इनको दूध के लिए भी यूज किया जाता है इसके अलावा इनको मीट के लिए भी यूज किया जाता है लोग खाते भी हैं इनको काट करके इसके अलावा इससे वूल भी निकाला जाता है उससे क्या मतलब वूल निकाला जाता है दो तीन पर में यूज होती है गोट हमारी मेनली या तो दूध के लिए या जो है उसका मीट वगैरह के लिए यूज होती है पोल्ट्री क्या हो गया या हमारे पास चिकन हो गए मतलब जैसे या तो हम जो है अंडे के लिए करेंगे या हम उसका मीट के लिए यूज़ करते हैं ठीक है थीके? फिश फार्मिंग ये सब चीज़ें कि हमारी एनिमल वेस्ट फार्मिंग में हमारी आ जाती है अब लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है तो देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या मिल्क की डिमांड बढ़ रही है जो कौन पूरा करेगा कैटल मीट की डिमांड बढ़ रही है जो गोड और पोल्ट्री में आ गया शीप जैसे हमारे वूल की डिमांड बढ़ रही है उसके मीट वगैरह की डिमांड बढ़ रही है तो ये सब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन सब चीज़ों की क्या हो रही है डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए इनका प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा क्लियर तो ये इसलिए क्या है कि इनका लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ाना क्या है बहुत जरूरी है तो क्या यहाँ पर लिख दिया हमने एज द पॉपुलशन इंक्रीजेज एंड एज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज का मतलब क्या है लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है देखिए जब लोगों के काम पास पैसा कम होता है तो वो कम चीज़ें खरीदते हैं और वो नॉर्मल मतलब सिर्फ पेट भरने लायक काम चला लेते हैं लेकिन जैसे जैसे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं मतलब लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब जैसे जैसे उनके पास मनी का इन्फ्लो बढ़ेगा तो वो और नए नए लग्जोरियस चीज़ें करना चाहते हैं जो कि चाहे कॉस्टली भी हों लेकिन उनके लिए वो सेटिस्फाई करती हों

तो डेफिनेटली आप जो है मुझसे फ़ोन करके फोन में नंबर में आपको लास्ट में दूंगा वहाँ भी पूछ सकते हैं ठीक है व्हाट्सएप पर तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड बाय जैसे कैटल में हमारे पास यहाँ दो मेन चीजें आएंगी एक तो काओ आएगी और एक बफेलो आएगी ठीक है काओ या उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी ठीक है काओ में ध्यान रखिएगा सिर्फ अकेले काओ काम नहीं आती काओ के मेल भी काम आते हैं ठीक है जैसे काओ में दो तरीके एक तो मेल हो गया फीमेल फीमेल तो काव हो गई और जो मेल हमारे पास वो हो गया ऑक जिसको हम आ, जो जो हमारे पास मेल होता है ठीक है इसके अलावा एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्स जिसको बैल कहते हैं हिंदी में ठीक है वो क्या होता है बेसिकली स्टराइल होता है वो खासतौर से हमारे पास एग्रीकल्चर फार्मिंग में काम आता है क्लियर वो एज ए लेबरर काम करता है वो तो कैटल फार्मिंग में क्या मतलब यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स पर्पज़ क्या है हमारे पास इसका टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क यहाँ पर दो मेन पर्पज़ हैं कि हम काओ का प्रोडक्शन जो फीमेल है उसका प्रोडक्शन का मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें बढ़ाना है उसकी बैराइटी को इम्प्रूव करना है दूसरा खैर आज कल तो क्या है कि लोग ट्रैक्टर वगैरह से काम ज़्यादा चलाते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा जिनके खेत छोटे होते हैं वो क्या करते हैं अभी भी ये जो है ड्रॉट लेबर जिसको हम बैल कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम बैल कहते हैं हिंदी में और उसमें कहते हैं ऑक्स ठीक है इसी से काम चलाते हैं ठीक है और जो मेल होता है उसका वो कहते हैं उसको बुल बोलते हैं ठीक है तो एग्रीकल्चर वर्क के लिए ड्रॉट लेबर चाहिए होता है ड्रॉट लेबर का मतलब ये स्टराइल होता है ना मेल ना फीमेल होता है ठीक है इंडियन कैटल हमारे पास दो तरीके की हैं काओ एंड बफेलो डेयरी एनिमल्स फीमेल्स आर यूज फॉर मिल्चिंग मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स मेल्स आर यूजिंग वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड जैसे कार्टिंग है टाइलिंग है इरीगेशन वगैरह में आपने देखी होंगी ब्लग कार्ड्स देखी होंगी बैलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं तो बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी भी देखी होंगी जो जो बेसिकली मेल्स होते हैं बफैलों के जो मेल बफैलो होते हैं उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं इनको जो है लेबर के लिए आई होप ये समझ में आ गया कि एक तो हमारे पास ये है इसलिए हम जो वैराइटीज़ को बढ़िया करने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको इंडियन वेराइटी और आपको विदेशी वेरायटी दी हुई है फॉरन वेराइटी तो आप याद करिएगा क्योंकि उनको आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मतलब क्या है कि जैसे हमारे तो पास देखें जो इंडियन जो वैरायटी होती है वो क्या हमारे पास इंडियन वैरायटी है जैसे रेड सिंधी है सा, साहिवाल है ये हमारी इंडियन वैरायटी है और जो हमारी फॉरेन ब्रीड्स हैं जैसे जर्सी जर्सी गाय मेनली हमें इंग्लैंड में मिलती है ब्राउंस जो स्विट्जरलैंड में मिलती है इनमें देखिए जो हमारे पास जो बाहर की जो गाय है जैसे ब्राउन्स है या जर्सी गाय है इन लोग इन गाँव काओ का मिल्क प्रोडक्शन बहुत होता है जैसे एक बार में ट्वेल्व टू फोर्टीन के मिल्क देती हैं ये सुबह शाम बात कर लें तो लगभग जो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के जी मिल्क दे देती है ये लेकिन जो हमारी इंडियन काव होती है वो एक बार में तीन या चार किलो से ज़्यादा मिल्क नहीं दे पाती आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो गया मिल्क के प्रोडक्शन में हमारे यहाँ भारत में काव की पूजा होती है हम लोग गाय को माता मानते हैं लेकिन अभी भी उसकी वैरायटी को हम इम्प्रूव नहीं कर पाए ठीक है तो क्या होता है यहाँ पर हम जो है दोनों में क्या करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं तो मतलब उससे क्या होगा देखिए हाँ दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी इंडियन काव होती है वो डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है उसमें वो उनमें रोगों की जो सहने की जो क्षमता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी जैसे हमारे पास ह्यूम्स में भी इम्यूनिटी पीऊ नमस्कार नमस्ते बेटा जैसे इम्यूनिटी जो होती है उनकी हमारी जो इंडियन काव है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है लेकिन जो फॉरेन काव जैसे मैंने जर्सी गाय की बात की या ब्राउन की बात की इनकी इम्यूनिटी क्या होती है बहुत लो होती है तो उनको ब्रीडिंग करा करके क्या किया जाता है एक ऐसी वैरायटी तैयार की जाती है जो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा करे और जिसकी इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा हो मतलब उसमें इंडियन काव का भी कल करेक्टरिस्टिक दे दिया और उसमें फॉरेन काव का तो हमारा दोनों का काम चल गया है मतलब क्या है एक क्रॉस बिटवीन द फॉरन बीड जैसे जर्सी एंड ब्राउन्स ध्यान रखिएगा जर्सी हमारी इंग्लैंड की काव होती है और ये हमारी ब्राउन्स क्या होती है हमारी जो है इसकी और ये इनमें लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है ज़्यादा दूध भी देती हैं और लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड भी होता है लैक्टेशन पीरियड का मतलब यहाँ पर आप लैक्टेशन पीरियड्स का एक वर्ड है इसका मतलब क्या है कि कितने टाइम तक वो कंटिन्यूसली दूध देती रहती है नॉर्मली क्या होता है कि एक गाव जैसे उसके बछड़ा बच, वगैरह हुआ बच्चा हुआ उसके नॉर्मली क्या है कि ग्यारह बारह महीने एक साल तक बहुत अच्छा दूध देती है उसके बाद उसका दूध क्या होता है कम होता जाता है लेकिन ये जो गाय होती हैं इनके लैक्टेशन पीरियड क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और अमाउंट ऑफ मिल्क भी बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी ब्राउनसिस और जर्सी हैं ठीक है हमारा भाई इंडियन ब्रीड्स क्या रेड्स इंडियन the disease डिजीज प्रोड्यूस न्यू वराइटी क्वालिटीज ऑफ द बोथ ब्रीड्स तो हमारे पास इम्प्रूव कैटल फार्मिंग में क्या क्या हमारे पास चीजें हैं देखिए एक हमारे पास दो तरीके के हमारे पास कैटल फार्मिंग में काम होते हैं एक तो मिल्क प्रोडक्शन जो हमारी फीमेल चाहे वो काव हो या फीमेल बफेलो हो ठीक है बफेलो का हम इसको बोलते हैं और दूसरा ड्रॉट लेबर जिसमें हम मेल या तो मेल होगा या उसका वो स्टेराइल होगा जैसे जो ऑक्स इसको हम बैल बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो वो क्या होता है ड्रॉट लेबर होती है उसको स्ट्राइल होता है एक इसके अलावा बुल होता है जो बुल जिसको हम हिंदी में साढ़ बोलते हैं ठीक है थीके? वो क्या होता है मेल होता है तो दोनों ही हमारा लेबर पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं इसके अलावा जैसे मेल जो बफेलो का मेल जो पार्ट होता है वो कंपेनियन है उसको भी हम लेबर में यूज कर सकते हैं क्या क्या हमें कैटल में जैसे काव हमारे पास इंडियन ब्रीड आपको याद रखनी है रेड सिंधी साहिवाल और फॉरेन ब्रीड याद रखनी है आपको ब्राउन्सिस एंड जर्सी ठीक है ये क्या करती है इनमें जो जर्सी गाय है या ब्राउंसिस गाय है इनके लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी इंडियन है रेड सिंधी और साहिवाल इनके क्या होती है डिजीज रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है तो दोनों का क्रॉस ब्रीड करा करके क्या करते हैं नई ब्रीड बनाते हैं जिसमें दोनों पावर आ जाती हैं आई होप क्लियर समझ में आ गया ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है आपका ये बेनिफिट्स क्या क्या कैटल फार्मिंग के एक तो गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मिल्क वेल बी प्रोड्यूस्ड देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा हमें बहुत अच्छी चीज़ के लिए क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी होनी चाहिए क्वालिटी अच्छी है क्वांटिटी कम है तो भी समस्या आएगी क्वालिटी कम है क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी समस्या आएगी तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है जहां पर क्वालिटी भी अच्छी हो दूध की और दूध की क्या हो क्वांटिटी भी ज़्यादा आती हो ऐसे हमको कैटल फार्मिंग में इंप्रूवमेंट करने होते हैं बेनिफिट्स होते हैं हमारे इसके अलावा ड्रॉट लेबर ऑफ़ एनिमल कैन बी प्रोड्यूस पर द एग्रीकल्चर वर्क यहाँ एग्रीकल्चर वर्क से आप ही हो सकता है कि जैसे टाइलिंग वगैरह करानी है प्लोइंग वगैरह करानी है या उनको कार्टिंग वगैरह मतलब कार्ट में क्या है उनको सामान एक से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए या आपने देखा होगा जो कोलू वगैरह होते हैं वहाँ पर गाँव में वो उसको यूज़ करने में यूज़ करते हैं ठीक है ना आजकल नॉर्मली क्या है जो बड़े खेत में लोग काय इसका बैल वगैरह का यूज कम हो गया है करना क्योंकि ट्रैक्टर आ गए हैं लेकिन पहले क्या होता थे मोस्टली यही हमें यूज करने होते थे अभी भी इंडिया में छोटे किसान तो अभी भी यही करते हैं इसके अलावा क्या है न्यू वरायटी दैट आर रेजिस्टेंस टू डिजीज कैन बी प्रोड्यूस बाई क्रॉसिंग टू वेरायटीज विद द डिजायरटेड तो ये हमारे तीन क्या हो गए कैटल फार्मिंग के हमारे जो तो है बेनिफिट्स हो गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वाट इज द क्लिनिंग एंड शेल्टर रिक्वायरमेंट फॉर द कैटल्स एंड बाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप खुद सोचिए जहाँ मान लीजिए आपको अच्छी शेल्टर ना मिले आपको अच्छा क्लिनिंग एनवायरमेंट ना मिले आपको अच्छा फूड रिक्वायरमेंट ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे यदि आप उस तरीकों को सोच सकते हैं तो आप जानवरों के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं ठीक है नॉर्मली क्या है कि देखिए ये हम इसको एक हिंदी में वर्ड बोला जाता है इसको हम कहते हैं पशुधन हिंदी में एक वर्ड क्या है गांव में एक वर्ड बोला जाता है इसको हम क्या कहते हैं पशुधन लाइव स्टॉक मतलब तो क्या है कि यहां पर देखिए आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है यहां पर क्या होता है एक इन्वेस्टमेंट होता है ध्यान रखिएगा एक एक गाय आप खरीदने जाएंगे तो चालीस पचास हजार साठ हजार लाख रुपए तक की गाय आती है काव खरीदने जाएंगे एक एक लाख रुपए तक की काव आती है इट इज जस्ट लाइक कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिज़नेस से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं वहां पर कि कैसे आपको सामान लगाना है कैसे आपको क्या करना है कैसे लोगों से बात करनी है कैसे क्या करना है तो ध्यान रखिएगा कैटल फार्मिंग भी एक तरीके का क्या है हमारा एक बिजनेस ही होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरी चीज़ क्या है कि जरा भी उसको कोई बीमारी हुई तो मर जाएगी तो पूरा लॉस जरा भी उसको कोई समस्या आई तो पूरा लॉस हो सकता है तो इसलिए क्या है कि किसी और बिजनेस से ज़्यादा इनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ध्यान रखिएगा एक हम कैसी चीज़ रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट लिविंग चीज़ों में हमारा इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इनकी प्रॉपर शेल्टर भी करनी पड़ेगी शेल्टर का मतलब क्या है कि हम इनको किस तरीके से रखते हैं जैसे हम अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में रहते हैं प्रॉपर ड्राई रूम फर्श वगैरह हम अपना क्लीन रखते हैं पंखा वगैरह चला के या गर्मियों में हीटर वगैरह चला करके रखते हैं तो ये सारी चीजें जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं वही हमें सोचना चाहिए इनके लिए भी क्योंकि क्या आफ्टर ऑल दिस इज ए लाइफ ठीक है तो इनकी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट शेल्टर रिक्वायरमेंट आप देखिए क्या होती हैं द प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज फॉर द कावन बफलो आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमैन फार्मिंग मतलब उनको हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं ठीक है प्रॉपर हेल्थ उनकी देखिए किसी भी चाहे इंसान हो या कोई एनिमल हो उसकी हेल्थ कब बेटर रहेगी जब क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी उसकी शेल्टर बहुत अच्छी होगी और जितना अच्छा शेल्टर जितनी अच्छी क्लीनिंग रहेगी वो डिजीज फ्री रहेगा एनिमल तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी क्या होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी होगा आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आप दस दिन तक ना रहें तो क्या होगा आपको भी तो अड़चन आएगी नहीं आएगी वैसे तो बहुत सारे लोग हैं पंद्रह पंद्रह दिन तक नहीं नहाते फिर भी कुछ नहीं होने महसूस होता लेकिन ध्यान रखिएगा आप सोचिए किसी दिन दो तीन दिन नहीं नहा के देखिएगा तो आपको लगेगा कुछ मतलब तो अजीब सा फील होगा ऐसे जानवर भी होते हैं ऐसी हमारे काओ भी हैं ऐसी हमारी वफेलों भी हैं कि उनको भी डेली रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीज़न क्या है कि वो गंदी रहेंगी तो उनके ऊपर मक्खी मच्छर वगैरह आके बैठेंगे तो उससे क्या रहेंगी परेशान रहेंगी देखिए आपके ऊपर मक्खी मच्छर आके बैठे आप भी परेशान रहते नहीं रहते हैं ऐसे कैटल भी रहेगा जब कैटल परेशान रहेगा तो जैसे आपकी काम करने की एफिशिएंसी कम होती है वैसी कैटल की भी काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और उनका काम करने की एफिशिएंसी क्या है मिल्क का प्रोडक्शन तो यदि वो गंदे रहेंगे वो प्रॉपर साफाई वाली जगह पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली क्या कम होना है मिल्क का प्रोडक्शन कम होना है और किसी भी फार्मर को जो कैटल फार्मिंग कर रहा है उसको पैसा कहाँ से आना है उस मिल्क को सेल करके पैसा आना है जब मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या होगी उसकी इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा तो इसलिए क्या है कि इनकम उसको फार्मर को बेटर करनी है तो क्या करना पड़ेगा उनकी ये दोनों रिक्वायरमेंट को प्रॉपर क्लीनिंग आप देखिएगा गांव में जा करके वो लोग प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं उनको साबुन वगैरह से नहलाते हैं तो मतलब क्यों जिससे कि उनके डर्ट क्योंकि काव वगैरह ऐसे खेतों में जाती हैं कहीं भी बैठ जाती हैं तो इससे क्या होगा एक तो जो इनके लूज हेयर खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा ऊपर से जो भी गंदगी वगैरह है वो सारी क्या होती है उनकी हट जाती है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके अलावा जैसे हम अपने पास प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम रखते हैं जैसे कि हमारे पास हवा वगैरह आनी चाहिए ऐसे ही कैटल फार्मिंग के लिए भी वेंटिलेटेड जगह बहुत जरूरी है प्रॉपर एयर वेंटिलेशन वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन आएगी प्रॉपर ऑक्सीजन आने से क्या होगा वो प्रॉपर अपना रेस्पिरेशन वगैरह कर पाएंगे और प्रॉपर एनर्जी डेवलपमेंट होगी वो चिड़चिड़े नहीं होंगे ध्यान रखिएगा एनिमल भी चिड़चिड़े हो जाते हैं वो चिड़चड़ा कैसे दिखाते हैं आपको सींग मार के लात मार के वो अपना चिड़चिड़ापन ऐसे निकालते हैं पूछ मार के बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं एक जगह बंदे हुए तो यही हरकतें करते हैं फिर वो ठीक है तो क्या है दो दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेलटीलेटेड रूम्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन हीट एंड कोल्ड बहुत जरूरी है ध्यान रखिएगा ठीक है द फ्लोर ऑफ़ द कैटल शेड नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड ड्राई फैसिलिटेड अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैटल है तो हमें सीधा नहीं बनानी हमें क्या बनाना है थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्लोप बनाना है यहाँ पर जैसे नाली है मान लीजिए यहाँ पर कैटल मदा हुआ है तो मान लीजिए कोई भी यूरिन वगैरह करता है तो क्या होगा यदि स्लोप है तो सीधे बह के कहाँ निकल जाएगा नाली में वो वहाँ रुकेगा नहीं और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा वो ड्राई हो जाएगा तो उसका क्या एरिया रहेगा उसका ड्राई एरिया रहेगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा उसको कि अब तो मान लीजिए वो गीले एरिया में रहता है अब कैटल तो उसको सर्दी लग सकती है ठीक है ध्यान रखिएगा एनिमल्स को भी सर्दी लगती है तो उनको बीमारियां हो सकती हैं डिफरेंट बैक्टीरिया उनको बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट वायरस उनको बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं तो हमें क्या बनाना है ये तीन ये चीज़ हमको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो क्या क्या हो गया हमारे पास जो प्रॉपर क्लीनिंग क्यों जरूरी है फॉर द ह्यूमन फार्मिंग फॉर द बेटर हेल्थ एंड फॉर द मोर मिल्क प्रोडक्शन ठीक है एनिमल क्या क्या चाहिए उनको रेगुलर क्लीनिंग चाहिए ब्रश वगैरह से साबुन वगैरह से आप उनको निला सकते हैं कि बहुत मोटी स्किन होती है इनकी वेल वेंटिलेटेड रूफ होनी चाहिए जो उनको रेन से हीट से और कोल्ड से प्रोटेक्ट करे और ध्यान रखिएगा सर्दियों में उनको प्रॉपर ऐसे उनके ऊपर कंबल वगैरह डालना होता है जिससे कि उनको सर्दी ना लगे ध्यान रखिएगा केटल्स के ऊपर भी कंबल वगैरह का यूज़ किया जाता है कंबल नहीं यूज कर सकते तो आप हल्का सा हीटिंग दे सकते हैं वहाँ पर प्रॉपर जैसे आप हीटिंग देंगे तो उससे क्या होगा थोड़ा उनका एरिया क्या रहेगा गर्म रहेगा इससे उनको सर्दी नहीं लगेगी सर्दी नहीं लगेगी तो उनको फीवर वगैरह से बचाया जा सकता है ठीक है तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अब फूड रिक्वायरमेंट क्या होती है जैसे हम देखिए स्वस्थ रहने के लिए क्या होना चाहिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है ऐसे ही हमें अपना ज्यादा अच्छा काम करने के लिए क्या चाहिए हमको अच्छा खाना बहुत जरूरी है जो हमको एनर्जी देता हो जो हमारी बॉडी को ठीक से रखता हो हमें बीमार ना होने दे तो ऐसे जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनका भी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो इसी तरीके की होनी चाहिए कि जो उनको प्रॉपर हेल्दी रखे और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होने में उनकी हेल्प करे ठीक है तो मतलब क्या है हमारे पास दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है फूड रिक्वायरमेंट पहली होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट दूसरी होती है मिल्क प्रोड्यूस रिक्वायरमेंट मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उनकी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है जैसे आप देखें अब हम भी लेते नहीं लेते हैं कुछ खाना ऐसा लेते हैं जो हमारी बॉडी प्रॉपर रहे और कुछ खाना ऐसा लेते, लेते हैं जिससे हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा रहे हम एनर्जेटिक रहें और कुछ खाना ऐसे लेते हैं जिससे कि हमको डिजीज़ वगैरह ना हो तो हम भी हर तरीके का खाना खाते नहीं खाते हैं ऐसी कैटल में भी क्या होती हैं एक तो उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है कि जिससे कि जो कैटल है वो अपनी हेल्दी लाइफ को लिव करे मतलब उसमें कोई बीमारी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम ना हो दूसरी क्या होती है मिल्क प्रोड्यूस रिक्वायरमेंट मिल्क प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट क्या है जैसे आप देखें किसी लेडी को जिसको अभी कोई डिलीवरी वगैरह बच्चा वगैरह हुआ तो आप देखिएगा या आप किसी से पूछ सकते हैं उसकी खाने की रिक्वायरमेंट उस टाइम पर कुछ थोड़ी अलग होती है उसको कुछ ऐसा खाना एक्स्ट्रा दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो और वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिल सके ऐसे हमारे यहाँ कैटल में भी होता है कैटल में भी क्या है बेसिकली हमें ऐसा उसको फूड देना है जिससे कि उसका मिल्क प्रोडक्शन क्या हो बहुत अच्छा हो मतलब जो लैक्टेशन पीरियड जैसे हम क्या क्या दे सकते हैं इसमें रफेज जो कि मोस्टली फाइबर होता है जो उसकी क्या करेगा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है इसके अलावा कंसनट्रेट देते हैं विचार लो इन फाइबर कंटेंट कंटें रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रीन टेक्स फैट वगैरह जो होता है इससे क्या होती है उसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में उसको क्या चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रफेज देंगे इसमें फाइबर ज़्यादा होगा जिससे उसकी बॉडी में क्या आएगी गर्मी रहेगी बॉडी उसकी ठीक रहेगी बॉडी उसकी मेंटेन रहेगी दूध में क्या होना चाहिए हमारा प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए फैट का अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए मिनरल्स वगैरह भी ज़्यादा होने चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे ऐसे कंसनट्रेट देते हैं जो लो फाइबर में हो जैसे आप देखें गेहूँ का इन सब चीज़ों का चोकर जो होता है आपने चोकर सुना होगा कि ऐसे हमने गेहूँ का आटा निकाल दिया उसके नीचे की जो भूसी बस्ती है या आपने जो हमारे पास जो होता है ये गेहूं वगैरह का आप देखेंगे जो निकल जाता है धान वगैरह का जो बचा हुआ निकल जाता है या आप देखें ऑयल निकालने के बाद जो केक बचता है जो वेस्ट है खराब हमारे लिए लेकिन कैटल क्या करते हैं उसको खा करके उससे क्या होती है उनकी फैट की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो यहाँ इस तरीके से हमें दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो पहली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट दूसरी मिल्क प्रोडूसी रिक्वायरमेंट क्या क्या फीड एनिमल का है हमारे पास रफेद जैसे आपका गेहूं धान वगैरह का ये मैंने आपको बता दी और कंसर्न में जैसे आप देखेंगे ये ऑयल केक्स वगैरह बच जाते हैं इनको हम देते हैं क्लियर इसके अलावा क्या देखिए कैटल नीड्स बैलेंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द प्रोपोर्शन अमाउंट क्यों इससे क्या रहेगा उनकी बॉडी ठीक रहेगी और जो मिल्क प्रोड्यूस होगा ध्यान रखिएगा मिल्क होता क्या है जो बॉडी का ब्लड होता है उसको मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क में कन्वर्ट करती हैं ध्यान रखिएगा चाहे वो कोई भी हमारा मैमल हो चाहे हमारे जो ह्यूमन में हो या बाकी एनिमल में हो जो उनके जो थन होते हैं उनके जो बेसिकली मैमल्स होते हैं उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ठीक है उनमें वो मेमोरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है उसको मिल्क को प्रोड्यूस करने का बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिटिव लाइक कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रींट्स प्रमोट हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ द डेयरी एनिमल्स तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे ऑयल केक वगैरह है सोयाबीन का केक वगैरह बच जाते हैं इस टाइप की चीज हम क्या कर सकते हैं इनको देते हैं जैसे आज जैसे आप बताएं थोड़ा जौ वगैरह जैसे आपके मिलेट्स वगैरह हो गए या आपके जौ वगैरह ज्वार वगैरह हो गए ये सब चीजें भी इनको दी जाती हैं जिससे इनका मिल्क प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा बढ़ेगा आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को ये अब एक क्वेश्चन है डिजीज के बारे में ध्यान रखिएगा कैटल भी एक लिविंग एनि कैटल चूंकि एक लिविंग एनिमल है तो उसको भी डिजीज़ होती हैं उसको बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है उसको वायरल डिजीज भी हो सकती है उसको फंगल डिजीज़ भी हो सकती है उसको किसी और पैरासाइट की भी डिजीज भी हो सकती है जैसे कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनके पेट में ठीक है तो ये डिजीज़ भी उनको हो सकती है तो कैटल कौन सी होती है मोस्टली इन्फेक्शि हालांकि उनकी डिजीज रेजिस्टेंस पावर हम लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन फिर भी इनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे दीज आर ड्यू टू द पैरासाइट लिविंग इन द कैटल क्यों देखिए नॉर्मली कैटल हमारे ऊपर ही इतने पैरासाइट रहते हैं यदि आप अपनी स्किन का आप थोड़ा सैंपल लेकर के आप देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे तो उन उनपे तो और भी ज्यादा पैरासाइट रहते हैं क्योंकि वो गंदगी वगैरह कहीं भी बैठ जाते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे इंटरनल पैरासाइट भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर पैरासाइट है उनकी बॉडी के ऊपर स्किन वगैरह के ऊपर

आप लोगों को क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया तो आप इसको मैं सिर्फ बता दूँ एक लिवर फ्लू हमारा एक एनिमल होता है जो उनके लिवर को डैमेज करता है जैसे हमारी बॉडी में वर्म्स वगैरह हो जाते हैं एस्करिस वगैरह या हुम वगैरह यहाँ भी हो जाते हैं उनको ठीक है इन्फेक्शन डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाई द बैक्टीरिया एंड वायरस तो देखिए जैसे हम लोग वैक्सीनेशन वगैरह लेते हैं अपने अपनी को जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीज से बचाने के लिए दिए जाते हैं ह्यूम्स में भी ऐसी एनिमल्स की भी वैक्सीनेशन होती है कैटल्स वगैरह को भी क्या होती है उनको वैक्सीन दी जाती हैं जिससे कि उनको मोस्टली वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से बचाया जा सके ठीक है तो इनके लिए क्या दी जाती है वैक्सीनेशनस भी दी जाती हैं तो कैटल डिजीज़ कैसे कैच करते हैं हमारे पास उनमें इन्फेक्श डिजीज मेनली होती हैं पैरासाइट्स उनकी बॉडी के ऊपर रह सकते हैं अंदर भी रह सकते हैं यदि स्किन पर रहते हैं तो स्किन डिजीज क्रिएट करते हैं अंदर स्टमक के अंदर रह सकते हैं वॉम्स होते हैं जैसे हमारे पास टेप वाम वगैरह होते हैं इस तरीके से वहाँ भी होते हैं ठीक है थीके? इंटेस्टाइन में भी रहते हैं इसके अलावा लिवर में एक एनिमल होता है जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं वो उसके लिवर को डैमेज कर सकता है बैक्टीरिया वायरस भी कर सकते हैं इनको प्रॉब्लम क्रिएट तो इसके लिए हम क्या देते हैं बैक्टीरिया वायरस के लिए हम इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा सकते हैं अब एक क्वेश्चन है हमारे पास अब ये हमारा कैटल फार्मिंग खत्म हो गई तो कैटल फार्मिंग क्या हो गई हमारी खत्म हो गई अब हम आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग पर पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है बेसिकली कि जहां पर हम जो चिकन होते हैं चिक जिसको हम बोलते हैं दो पर्पज के लिए ग्रो कराए जाते हैं मतलब उनकी ब्रीडिंग वगैरह कराई जाती है उनको पाला जाता है रियरिंग की जाती है उनकी एक तो पर्पज होता है मीट का मांस खाने का उनको काट के खाने का और दूसरा पर्पज क्या होता है उनसे एग प्रोडक्शन का ये दो पर्पज होते हैं हमारे पोल्ट्री फार्मिंग के एक एनसीआर के बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडिया पोल्ट्री इन इंडिया इज मोस्ट एफिशियंट कन्वर्टर ऑफ द लो फाइबर फूड स्टफ विच इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजन इन टू लाइट हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड मतलब इसका समझिएगा इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि जैसे ऐसा लो फाइबर फूड स्टफ जैसे चावल होता है ना धान राइस जो होता है वो लो फाइबर कंटेंट होता है ध्यान रखिएगा राइस में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता बहुत लो फाइबर कंटेंट होता है इसीलिए राइस क्या होता है हमारा बॉडी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग जैसे खाने से क्या हो सकता है वो मोटापा वगैरह क्रिएट करता है ठीक है तो जो चावल हम खा नहीं सकते जैसे आप देखेंगे जैसे जब चावल निकाला जाता है तो उसके छोटे 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 पीस रह जाते हैं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के काम में नहीं आते इसको क्या करते हैं हम इस स्टफ को कन्वर्ट कर सकते हैं हम हाई प्रोटीनस डाइट में कर सकते हैं जैसे चिकन वगैरह में तो मतलब क्या है जो हमारे जो चिक होते हैं उनका खाना क्या होता है यही होता है उनका वो यही चीजें खाते हैं छोटे छोटे दाने खाते हैं वो लोग इस दाने को खा करके वो क्या करेंगे अपने बॉडी मास में कन्वर्ट करते हैं और इस बॉडी मास को क्या करते हैं लोग खा लेते हैं चिक खा जाते हैं चिकन खा जाते हैं उसको काट कूट करके तो ये क्या हुआ एक हाईली एफिशियंट कन्वर्टर हुआ कि नहीं हुआ कि जो चीज हमारे लिए वेस्ट हो चुकी थी ह्यूमन के लिए वो हमने उनको खिला दी और उनका जो बॉडी का जो खाया देखिए जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं जैसे मैं नहीं खाता ठीक है ना मैं मैं प्योर वेजिटेरियन तो जो लोग खाते हैं उनके लिए क्या हुआ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट ये हो गई मैं इसमें ये नहीं कह सकता कितना न्यूट्रिशियस होता है बिकॉज आई क्रिएट डिस्प्यूट इन दैट ठीक है तो क्या है

अब आगे देखिएगा अब मैनेजमेंट प्रैक्टिस डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या कॉमन होती है मतलब डेयरी फार्मिंग में पोल्ट्री फार्मिंग में हम क्या क्या कॉमन प्रैक्टिस करते हैं दोनों में क्या क्या चीजें एक तो शेल्टर रिक्वायरमेंट दोनों की शेल्टर रिक्वायरमेंट हमारी होती है क्लीनिंग रिक्वायरमेंट दोनों जगह क्लीनिंग बहुत जरूरी है इनको डिजीज वगैरह से बचाने के लिए और दोनों की फूड रिक्वायरमेंट तो ये सब चीजें हमारी क्या होती है कुछ डेयरी में फूड दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है

इनके जो जो फाउल होते हैं मतलब मुर्गे जो होते हैं मतलब चिक वगैरह जो होते हैं इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनको हो जाता है तो उनको और किसको हो सकता है या उनको हो चुका है तो जो जो मीट खाएंगे उसका उनको भी हो सकता है ठीक है तो मतलब क्या है उनके इसलिए उनको भी डिजीज से बचाना क्या बहुत जरूरी है मान लीजिए जब उनको डिजीज हो जाती है तो क्या करते हैं उनको मार देते हैं जिससे कि आगे फैल ना पाए तो क्या क्या कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गई एक तो हमारी प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज दोनों के लिए चाहिए क्लीनिंग फैसिलिटी दोनों के लिए चाहिए दोनों के लिए क्लीन वाटर न्यूट्रीशन फूड और हाइजीनिक कंडीशन चाहिए हमको इनको हर एक को स्पेसियस उसमें रखना है एरी मतलब जहां पर अच्छी एरी एरी मतलब एयर आती हो वेंटिलेटेड स्पेस हो और डिजीज से भी उनका प्रिवेंशन और क्योर बहुत जरूरी है तो ये हमारी क्या हो गई इसकी कॉमन प्रैक्टिस हमारी ये हो गई नेक्स्ट आता है हम पोल्ट्री फार्मिंग में आ रहे हैं ब्रॉयलर्स में और लेयर्स में डिफरेंस क्या होता है उनके मैनेजमेंट डिफरेंस होता है ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेयर्स किसके लिए यूज करते हैं ब्रॉयर्स किसके लिए यूज करते हैं जो लेयर्स होता है उनका एग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और जो ब्रॉयलर्स होता है उनको मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं है, 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 है। तो ध्यान रखिएगा जो मीट प्रोडक्शन वाले हैं उनके में फ्लैश होना बहुत जरूरी है उनमें थोड़ा उनका मोटा होना बहुत जरूरी है तो उनको क्या करते हैं फैट रिच कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनका फ्लैश बढ़े मांस बढ़े जिससे जितना ज्यादा मांस बढ़ेगा उतना जल्दी अच्छा बिकेगा वो जो हमारे पास जो ब्रॉयलर जो लेयर्स होते हैं उनको एग प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है तो उनमें इस चीज का इतना ध्यान नहीं रखा जाता उनमें ऐसे ही डाइट दी जाती है जिससे कि उनके एग एग का प्रोडक्शन बढ़े तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट क्या हो गई हमारी अलग अलग हो जाती है तो लेयर्स किसके लिए यूज करते हैं एग प्रोडक्शन के लिए अब ब्रॉयलर्स किसके लिए यूज करते हैं पोल्ट्री मीट के लिए तो दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट एंड हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ़ द ब्रॉयलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एग लेयर जैसे मैंने आपको बताया अभी दोनों की रिक्वायरमेंट क्या होगी अलग होगी ब्रॉयलर क्या है चुकी किसके लिए यूज होना है हमारा मीट के लिए यूज होना है तो इट रिक्वायर्स द विटामिन सप्लीमेंट स्पेशली विटामिन ए एल्सो देयर डाइट इंक्लूड्स प्रोटीन डिस फूट एंड एनफ फैट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ जितनी ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी जितना ज़्यादा मोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा बेटर उसमें अमाउंट में मीट होगा उतना ही अच्छा बिकेगा ठीक है ब्रॉयलर्स रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस टू इंक्रीज दियर सर्वाइवल रेट एंड फीडिंग एंड कैराकैस क्वालिटी इन कंपेरिजन टू द एग लेयर्स आई भी क्लियर हो गया तो क्या क्या डिफरेंस हो गए देखिए लेयर्स इसके लिए यूज करते हैं एग प्रोडक्शन के लिए ब्रॉयलर्स किसके लिए यूज करते हैं पोल्ट्री मीट के लिए दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट हाइसर रिक्वायरमेंट क्या करती है डिफरेंट होती है में चाहिए, चाहिए, चाहिए ग्रोथ हो, उनका कैरा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा वो ज्यादा अच्छा बिकेगा ठीक है लेकिन एग लेयर्स में ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती उनमें ऐसी डाइट देते हैं जिससे उनका एग प्रोडक्शन बढ़े नेक्स्ट देखिएगा रीजन क्या है पोल्ट्री फार्मिंग के डोमेस्टिक फाउल हम यूज करते हैं करते हैं एग प्रोडक्शन चिकन मीट के लिए इसलिए क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड हम डेवलप कर सकते हैं ठीक है मीट के लिए अलग और जो है हमारे पास उसके लिए अलग से अलग हम डेवलप कर सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं हम ध्यान रखिएगा जो एक डिफरेंट वेराइटी जैसे मैंने आपको काओ में बताया था कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करा करके नई नई वेरायटीज क्रिएट कर सकते हैं ऐसी हम यहाँ भी कर सकते हैं क्या क्या हमारे पास डिजायरेबल ट्रेड चाहिए एकदम नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स चाहिए जितनी ज्यादा नंबर ऑफ जितनी ज्यादा वो एग प्रोड्यूस करेगा दक्ष नमस्कार कैसे हो भाई जितनी ज्यादा नंबर जितनी ज्यादा चिक प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा वो हमारी इनकम जनरेट होगी ज्यादा क्योंकि जितनी ज्यादा चिक उतना ज्यादा बिकना जितने ज्यादा चिक होंगे उतने ज्यादा एग एग बनेंगे जितने ज्यादा एग बनेंगे उतने ज़्यादा चिक बनेंगे और उतने ज्यादा बिकेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा जो ब्रॉयलर होता है ड्वार्फ उनको रखा जाता है जिससे कि उनका फ्लैश बढ़ जाए मतलब डॉट बॉयलर पेरेंट फॉर द कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन समर एडेप्टन कैपेसिटी एंड टॉलरेंस टू द हाई टेम्परेचर ध्यान रखिएगा जैसे हमारा भारत इंडिया है या बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ हमें ऐसी वेराइटी चाहिए जो हाई टेम्परेचर को भी अडोप्ट कर ले उसमें उनकी बॉडी खराब ना हो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम लोगों को समर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसी इन लोगों को भी समर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है क्लियर लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट उनकी होनी चाहिए ध्यान रखिएगा यदि कोई एनिमल बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या होगा उसकी मेंटेनेंस पे खर्च होगा तो इससे आपकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी इनकम कम हो जाएगी देखिए कि किसी भी बिजनेस में यह ध्यान रखा जाता है कि मैं कम इनपुट कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट ले लू आप किसी भी बिजनेस में क्या ध्यान रखते हैं कि इनपुट मेरा कम हो लेकिन आउटपुट मेरा क्या हो जाए बढ़ जाए ठीक है तो रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेंग वर्क विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स ध्यान रखिएगा जो ब्रॉयलर होते हैं जो मीट जिसको प्रोड्यूस करते हैं उनका साइज जितना बड़े से बड़ा हो सके वो फायदेमंद है और जो लेयर्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनका साइज जितना छोटे से छोटा हो सके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यदि तो उसका साइज बड़ा होगा तो जितनी आप डाइट देंगे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी साइज को बढ़ाने में कंज्यूम कर जाएगा तो लेयर्स का साइज छोटा होगा तो उससे क्या होगा कि उनकी डाइट कम होगी और वो एग एक जा एक, तो प्रोड्यूस करना ही है लेकिन ब्रॉयलर में क्या होगा कि जितना ज्यादा होगा बड़ा उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा वो सेल होगा क्लियर तो हमारे पास क्या क्या डिजायरेबल ट्रेड हो सकते हैं हमारे पास जिनमें हम क्रॉस ब्रीडिंग जिसमें हम जो है इंप्रूवमेंट करा सकते हैं नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स पर डॉक्टर बॉयलर पेरेंट फॉर द कमर्शियल चिप प्रोडक्शन कैपेसिटी या टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर लो मेंटेन्स रिक्वायरमेंट एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लिंग एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबर चीपर यूजिंग द एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स। हमारे पास आपसे इंडियन वेराइटी के बारे में पूछा जाता है कौन कौन सी हाँ बेटे मैं वही बता रहा हूँ जो ब्रॉयलर होती है ना उनमें देखिये लेयर जो होंगी जैसे एग प्रोडक्शन कराना है तो जितना छोटा रहे उतना ज्यादा बेटर है Obviously, थोड़ी बहुत तो ग्रोथ होगी होगी लेकिन जितना छोटा होगा जितना कम ग्रोथ होगी उसकी उतना ज्यादा बेटर है क्योंकि उतना जितना वो खाना खाए खाना कम खाएगा आपने देखा है ना बड़े लोग खाना ज्यादा खाते हैं छोटे लोग खाना कम खाते हैं तो वहां तो ये है ना आपको पैसे बचाने हैं ठीक है इन इंडिया क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन द इंडियन वेराइटी असील एंड फॉरिन एक्सॉटिक लेगॉन ठीक है ये दो वैरायटी हैं आप इसको याद कर लीजिएगा इंडियन वैरायटी असील है और फॉरेन एक्सोटिक वैरायटी क्या है, लेगोन है, इनके बीच हम क्या करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं अब हमने क्या कर लिया एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग कर ली पोल्ट्री फार्मिंग कर ली अब हम फिशरी करेंगे जो फिश फार्मिंग होती है क्या होती है अब फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फिश फार्मिंग क्या होती है हम देखिए फिश दो तरीके से ऑप्टेन कर सकते हैं या तो हम कैप्चर करके ला सकते हैं या हम कल्चर फिशिंग कर सकते हैं कैप्चर फिशिंग क्या होती है जैसे हम रिवर में गए पौंड में गए मैरीन में गए वहां पर जो नेचुरल फिश पहले से हैं उनको पकड़ के ले आए उसको हम क्या बोलते हैं कैप्चर फिशिंग बोलते हैं कल्चर फिशिंग क्या होती है इसमें हम क्या करते हैं फिश का सीड लेके आते हैं या सीड से मतलब क्या एग लेके आते हैं ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा देखिए ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल हाइट कम होगी और टॉल का मतलब होता है लंबा मतलब टॉल का अपोजिट क्या है ड्वार्फ ड्वार्फ का आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में ड्वार्फ का मतलब होता है बेटे छोटा ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं बोना क्या बोलते हैं इसमें हिंदी में बोना बोलते हैं आपको हिंदी आती है बेटे तो इसको हिंदी में बोना बोलते हैं बेटे ठीक है क्लियर कल्चर फिशिंग क्या होती है बच्चे कल्चर फिशिंग में क्या करते हैं हम इसके सीड इसके एग लेके आते हैं फिश के क्या लेके आते हैं फिश के एग बना जिसको नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में सीड बोल देते हैं उसको हम क्या करते हैं अपने यहां एक पॉइंट बनाते हैं उसमें डाल देते हैं अपने यहां एक पॉइंट बनाते हैं जो है ठीक है क्लियर या किसी आसपास पास का को कोई एरिया हो वहां पर हम बना लेते हैं वहां पर इसको डाल देते हैं फिर वो फिश वगैरह ग्रो करती हैं वहां से निकलती हैं और फिर उसको हम बेच सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं अच्छा आपका फिश फॉर्म है वेरी गुड बेटे आपका फिश फॉर्म है तो जरा उसकी वीडियो बना के भेजिएगा मेरे पास मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है मैं भी देख लूंगा कैसा अच्छा है ठीक है तो फिश किस तरीके से आप कर सकते हैं दो तरीके हैं पहला हम नेचुरल सोर्से कर सकते हैं जैसे रिवर है पॉइंट है समुद्र सी ओशन वगैरह है इसको हम क्या बोलते हैं कैप्चर फिशिंग बोलते हैं दूसरी क्या होती है हमारी कल्चर फिशिंग होती है कल्चर फिशिंग को हम फिश फार्मिंग बोलते हैं इस कैन बी डन इन बोथ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे रिवर वाटर पॉन्ड वाटर या मैरीन इकोसिस्टम मतलब हमने क्या ओशियन के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड बना लेते हैं वहां से पानी ला करके हम इसको कर सकते हैं क्लियर हुआ कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर उसको हम कहते हैं जहां हम एक से ज्यादा वैरायटी की फिश एक साथ उगाते हैं ठीक है टीके? जब हम एक से ज्यादा वैरायटी की फिश एक साथ जब हम हम जो ग्रो कराते हैं हैं उसको हम क्या बोलते कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं ठीक है तो एडवांटेज क्या है दैट इट ऑफ फिश देखिए एक से ज्यादा वेराइटी की आप फिश कराएंगे तो मान लीजिए कोई वेरायटी खराब भी हो गई तो आपके पास बाकी वेरायटी बची हुई है लेकिन हमें वेराइटी ऐसी चुननी है जिनकी फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हो ये नहीं सभी की फूड रिक्वायरमेंट एक ही जैसी है तो दिक्कत हो जाएगी तो हमें ऐसी यहां पर फिश चुननी होती है डिफरेंट वेराइटी जिनकी फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग हो आपस में एक दूसरे को परेशान ना करती हो अब आप देखिए कि यदि घर में छह लोग हो एक साथ रह रहे हो तो आपस में एक दूसरे को परेशान करें तो रहना मुश्किल हो जाएगा ना तो हमें ऐसी वेरायटी देखनी है जो आपस में एक दूसरे को परेशान भी ना करती हो फ्रेंडली होकर रहती हो ठीक है तो कंपोजिट फिश कल्चर में क्या करते हैं हम

कि जहां हम एक से ज्यादा वैरायटी नॉर्मली पांच से लेकर छह टाइप की वैरायटीज की की हम जो है फिश ग्रो कराते हैं हमें फिश बहुत चुननी है जिनकी फूड है आपस में कंपटीशन ना हो आपस में एक दूसरे को परेशान ना करती हो ठीक है इससे क्या होगा हमारे पास कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा फूड रिसोर्स का पॉइंट में और इसके अलावा क्या करेगी सर्वाइवल रेट बढ़ेगा इससे क्या होगी भी क्या होगी हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी क्लियर अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कंपोजिट फिश कल्चर के साथ में कि आप स्पेसिजीज क्या जो, जो हमको सेलेक्ट करनी है तो नॉर्मली हम कंपोजिट फिश कल्चर में कौन कौन सी करते हैं कटला फिश होती है भाई मैं फिश वगैरह नहीं खाता तो आपको डायग्राम तो नहीं दिखा सकता ठीक है तो आप जो अब ये क्या नाम है दक्ष बेटे ये सारी फिश नॉन वेजिटेरियन ही होती है बच्चे कोई भी अच्छा 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 ओके 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 तो इनका फीडिंग इसी तरीके से दिया जाता है ना बे कैटला फिश है मृगाल है रोहू रोहू तो मैंने देखी हुई है क्योंकि रोहू रोहू के ऊपर हम डिसेक्शन वगैरह करते थे ग्रास क्रैप है सिल्वर क्रैप है कॉमन क्रैप है ये सब क्या होती है हमारी ये कंपोजिट फिश में आती है ठीक है ये लेकिन समस्या क्या है इसमें कि मैनी ऑफ दीज फिश रूट ऑनली ड्यूरिंग द मॉनसून इवन इफ द फिश इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्स विद दैट ऑफ द अदर दीज एज वेल सो ए मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ सीड तो ये हमारे पास क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले तो आप देखिए क्या क्या स्पीसीज आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कंपोजिट फिश में हम कौन कौन सी फिश यूज करते हैं कटला है मृगाल है रोहू है ग्रास क्रैप है सिल्वर क्रैप है कॉमन क्रैप है ठीक है लेकिन समस्या क्या है कि मोस्टली फिश ये ब्राउन मानसून में ब्रीड करती हैं मान लो हम इनका जो है जंगल से भी सीड कलेक्ट करके लाएँ तो भी दूसरी स्पीसीज के साथ इनके सीड मिक्स हो जाते हैं और तो मतलब लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी सीट इज ए बिग प्रॉब्लम इन द कंपोजिट फिश कल्चर क्लियर देखिए मैरीन फिश की वैरायटी ये तो पीछे भी हमने बात बताई थी हमने जो पीछे बात की थी हमारी मोस्टली क्या है ये हमारी ये फ्रेश वाटर फिश होती हैं क्या होती है मोस्टली ये फ्रेश वाटर फिश होती हैं ये जो हमारी मैरीन फिश वैरायटीज कौन कौन सी हैं एक है पॉम्फरेट इनके नाम याद कर लीजिएगा पॉम्फरेट है मैकरल है टूना है सार्डाइंस है बॉम्बे डक है देखिए जो मैकरल है टूना है ऐसी फिश होती है जिनको खाने से हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती जो लोग टूना फिश खाते हैं जो लोग टूना है सेलमन है इन फिश को खाते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं होती बल उनकी जो हार्ट हार्ट बहुत अच्छी क्योंकि हार्ट के लिए बहुत अच्छी फिश मानी जाती है ये टूना मैकरल और ये आपका सेलमन ये तीन फिश ऐसी होती हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं ठीक है तो ये हमारी पॉपुलर मेरीन फिश वेराइटीज क्या है पम्फ्रेट है मैक्रेल है टूना है साइड बॉम्बे डक देखिए बहुत ज्यादा जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है मिलेट्स हैं ये फ्रेंड फाइन फिन होती है इनके ऊपर फिन लगे होते हैं बाहर भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स इनको नाम होगा याद कर लीजिएगा आप जो शेल फिशेज होती हैं प्रॉन मसल्स और स्टे एक चीज और ध्यान रखिएगा जहां हम बायोलॉजी में फिश वर्ड जो यूज करते हैं और यहाँ वर्ड से थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है ध्यान रखिएगा यहाँ के मतलब फिश में वो भी चीजें आ जाएंगी जो एक्चुअल में फिश नहीं है जैसे प्रॉन एक्चुअल में फिश नहीं होते ध्यान रखिएगा प्रॉन क्या होते हैं एक्चुअल में फिश नहीं होते जय श्री राम प्रॉन एक्चुअल में फिश नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनको कल्चर वगैरह कराते हैं क्योंकि ये हमारी यूज होती है ध्यान रखिएगा जहां पर खासतौर से जो हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर प्रॉन बहुत खाया जाता है क्योंकि प्रॉन हमारा उधर बहुत ज़्यादा मिलता है उन एरियाज में ठीक है तो ये हमारी शैल फिशिश हो गई जो हमारे पास इंडिया का जो मेरीन फिशरी रिसोर्स है इंक्लूड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन एंड डीप सीज बियॉन्ड इट इंडिया में ध्यान रखिएगा सबसे लंबी हमारी कोस्ट लाइन है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेंड ट्वेंटी किलोमीटर की तो आप देख सकते हैं राइट फ्रॉम जैसे गुजरात हो गया गुजरात हमारा सी के गुजरात के साथ आप महाराष्ट्र निकल जाइए इधर कर्नाटका की साइड में निकल जाइए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आपका ये इधर आपका ये तेलंगाना वगैरह अब ये केरला ये जो स्टेट्स हैं सारे के सारे इधर आप जाते हैं वेस्ट बंगाल तक आसाम वगैरह तक ये सब है हमारे बहुत वास उड़ीसा ये सब है हमारे ये सारे स्टेट्स वो हैं जो कोस्टल एरियाज़ में पड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरीन फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है आपको बेटा मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता मैं सिर्फ प्राइवेट कोचिंग करता हूं मैं आई डोंट टीच एनी स्कूल ठीक है मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता बच्चे ये आपको समझ में आ गया फिश के बारे में ये अब इनलैंड फिश का मतलब फ्रेश वाटर रिसोर्सिस क्या है हमारे पास कैनाल्स में जैसे आप देखेंगे रिवर से मैंने आपको पिछली बार बताया था रिवर से छोटी छोटी चैनल निकाल देते हैं कैनाल में वहां पर हम फिश प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉन्ट्स जैसे आप देखेंगे आसपास पॉन्ड्स होते हैं वहां पर भी फिश मिल जाती है आपको रिजर्वायर होते हैं मतलब छोटे छोटे रिजर्वा वहां पर आकर के भी हम फिश कर सकते हैं रिवर्स में भी फिश मिलती है हमारे पास ये हमारे इनलैंड फिशरी रिसोर्सेज हो गए इसके अलावा ध्यान रखिएगा जैसे शुगर केन है शुगर केन के फील्ड के साथ हम फिशरी भी कर सकते हैं ध्यान रखिएगा या जैसे हमारे पास धान जो होता है जैसे पैडी होती है पैडी के साथ भी अभी हम फिश ग्रो करा सकते हैं क्यों क्योंकि जब शुगर केन का जो फील्ड होता है उसमें अराउंड वन फीट या फीट तक पानी रखा जाता है उसको पूरा एक पॉन्ड बना दिया जाता है तो उस केस में किसान क्या करते हैं वहां पर फिश भी ग्रो करा देते हैं क्योंकि चार पांच महीने तो वहां पानी रहना ही रहना है शुगर केन के लिए तो इस चार पांच महीने के लिए क्या करते हैं वो फिश ग्रो करा लेते हैं तो वो दोनों उनकी डबल इनकम हो जाती है मछलियां बेच के भी पैसा कमाते हैं और साथ में शुगर केन से तो कमाते ही कमाते हैं ऐसी पैडी में भी होता है पैडी में कम से कम दो महीने तो पानी रहता ही रहता है तो वहां भी फिश ग्रो कराई जा सकती है ठीक है तो ये डबल आपसे काम किए जा सकते हैं मतलब आप जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या कर सकते हैं आप ये एनिमल हस्बेंड्री का काम भी मतलब फिश फार्मिंग भी वहां हो जाती है ठीक है इसके अलावा ब्रैकिश वाटर रिसोर्सिस ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है जहां सी और फ्रेश वाटर जहां आप देखिए जैसे हमारा समुद्र है और यहां हमारी रिवर आके इसमें मिल रही है यहां जो मिक्स होता है ये वाटर ये वाला

अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैप्चर कल्चर एक्वा एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंस होता है? में, उसको हम क्या बोलते है? बोलते है मतलब क्या है मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग फिशेस फ्रॉम द नेचुरल इसको हम क्या बोलेंगे कैप्चर फिशिंग मैरिकल्चर क्या होता है जो मैरीन वाटर में जैसे जो हमारे पास ओशिन है सी है यहां पर जो हम जो है कल्चर करते हैं मेरीन फिशिज का उसको हम क्या बोलते हैं मेरीकल्चर बोलते हैं इट इज द कल्चर ऑफ मेरीन फिशिज इन द मैरीन वाटर फॉर द कॉमर्शियल यूज और एक्वा कल्चर क्या होता है जिसमें हम रिवर वाटर है पौंड है या हमारे पास जो डिफरेंट जैसे हमारे पास फार्म्स वगैरह हो गए वहां पानी हो गया जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है इसमें हम क्या बोलते हैं इसको हम एक्वा कल्चर बोलते हैं तो एक्वाकल्चर कल्चर क्या हमारे पास इट इन बोल्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स दैट आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू सच एज प्रॉन्स लॉबस्टर्स फिश क्रैप्स एटसेट्रा कल्चर ऑफ फिश इन द फ्रेश वाटर रिसोर्सिस तो ये तीन टर्म ध्यान रखिएगा आप कैप्चर फिशिंग क्या होती है जहां से हम पकड़ के लाते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जहां पर फिश अपने आप ही ग्रो किए हैं खुद एक नेचुरली ग्रो किए हैं नेचुरली बनी है नेचुरल ब्रीड हुई है उसको हम क्या बोलते हैं कैप्चर फिशिंग बोलते हैं मैरी कल्चर क्या है जब हम कल्चर फिशिंग करते हैं फिश कल्चर करते हैं फिश फार्मिंग करते हैं मेरीन वाटर के अंदर मतलब कैसे थोड़ा उसके मेरीन के नजदीक में एक पॉइंट बना लेते हैं वहीं से हम उसको मैरीन वाटर में हम इसकी कल्चर कर सकते हैं फिश फार्मिंग कर सकते हैं एक्वा कल्चर क्या है जब हम फिश फार्मिंग या फिश कल्चर हम कब करते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में तो ये हमारे क्या हो गए डिफरेंस हो गए क्लियर अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ दिया हमने कैटल फार्मिंग कर ली डेयरी एनिमल्स की दूसरी हमने क्या की पोल्ट्री की तीसरा हमने फिश कर लिया ध्यान रखिएगा फिश को हम पिसी कल्चर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको साइंटिफिक वर्ड होता है पिसी कल्चर आपसे पूछा जा सकता है वाट इज द साइंटिफिक वाट इज द ब्रांच ऑफ नेम ऑफ द ब्रांच दैट इज यूज टू टेल दैट इज यूज मीन विच इज यूज टू स्टडी द फिश कल्चर तो उसको हम क्या बोलते हैं पिसी कल्चर बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको

इट इज ओनली फॉर टेन मिनट्स नाउ तो जो जहां पर हम हनी भी के लिए बी कल्चर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एपी कल्चर बोलते हैं तो डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक क्या होती है करेक्टर ऑफ द बी वेराइटी सुटेबल फॉर द हनी प्रोडक्शन पहला दे शुड पील द हाई क्वालिटी ऑफ हनी उनका हनी का देखिये हनी कैसे बनता है जो हमारी हनी भी होती है वो कहाँ जाती हैं प्लांट्स पे जाती हैं फ्रूट जो फ्लावर वगैरह होते हैं वहां से नेक्टर क्या करती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और अपने बिहार में आकर के उसको स्टोर करती हैं फिर जाती हैं बिह में आके मतलब छत्ता जिसको हम बोलते हैं बिहार में जाके क्या करती हैं वो उसको स्टोर करती हैं तो वो क्या होता है हनी फिर कहाँ से निकलता है उनके बिहाइब से हम लोग निकालते हैं क्लियर तो क्या है हनी उनका हाई क्वालिटी का होना चाहिए दे शुड नॉट स्टिंग मच मान लीजिए आपने जब हनी निकालने जा रहे हैं और हनी बी की स्टिंग बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा हमको नुकसान पहुंचा सकती है हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है तो क्या है उनकी स्टिंगिंग पावर क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए एंड दे शुड स्टे इन द बिहाइव फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन क्योंकि जो वहाँ से नेक्टर लेकर के आएंगी वो जो हनी में कैसे कन्वर्ट करेंगी वो अपने बिहाइव में आकर के तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक वो रुकेंगी तो उससे क्या होगा उनका वो हनी प्रोडक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा एंड दे शुड ब्रीड वेरी वेल तो मतलब क्या है जितनी ज़्यादा हनी भी होंगी उतना ज्यादा क्या करेंगे वो उसको जो है हनी को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या क्या हमारे करेक्टर हैं दे शुड हील हाई क्वालिटी ऑफ हनी दे शुड नॉट स्टिंग मच दे शुड बी हाई फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दे शुड ब्रीड वेरी वेल एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन पास का मतलब क्या है देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा फ्लावर अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगी नेक्टर ऑफ पॉलिन को कलेक्ट करने जाएंगी ठीक है तो मतलब ये डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्लांट हैं उतने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो अच्छा नेक्टर वहां से लेंगी और उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा वो क्या करेंगी हनी को प्रोड्यूस करेंगी तो पास्टरेज क्या है पास्ज इज द एवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम विच द बी कलेक्ट द नेक्टर एंड पोलन इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एज इट डिटरमाइंस द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ हनी तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे जितने ज्यादा फ्लावर्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा नेक्टर कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करेंगी, उतनी अच्छी क्या, उतनी क्या करेंगी फिर तो वो अपने दूसरा सोर्स ऑफ वैक्स विच इज यूज इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन ध्यान रखिएगा जो हमारा होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे हनी तो निकलता ही निकलता है इसके अलावा क्या निकलता है मोम कहते हैं वैक्स भी बहुत अच्छी है और इस वैक्स का यूज किया जाता है यहाँ से जो वैक्स निकलता है वो तो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है जैसे क्रीम वगैरह बनाने में इन सब चीजों में इसको यूज किया जाता है डिफरेंट वेराइटीज कौन कौन सी हनी प्रोडक्शन में यूज होती हैं एक तो हमारी लोकल वेरायटी है और एक इटालियन वेराइटी है आपसे खासतौर से इटालियन वेरायटी के बारे में पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको सारी वेरायटी याद करनी है एपिस सेलाना इंडिका ये इंडियन भी है एपिस डोरसाटा रॉक बी है एपिस फ्लोरी लिटिल बी है ये तीनों आपको याद रखनी है एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं लोकल वैरायटी में एपिस सराना ए फॉर एपिस एपिस सराना इंडिका इंडियन बी डोरसाटा, रॉक बी एपिस फ्लोरी लिटिल बी ठीक है और इटालियन वैरायटी में क्या हमारी एपिस मेलीफेरा इनको नाम आपसे पूछे जा सकते हैं मैडम आपसे नाम पूछ सकती हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन द पोल्ट्री फिशरी एंड बी कीपिंग तीनों में क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट टेक्निक हमें जो फॉलो करनी होती है वो कॉमन है रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी कीपिंग में भी हमारा रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है बिश कीपिंग फिशरी में भी रेगुलर क्लीनिंग क्या है बहुत जरूरी है टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स पोल्ट्री में फिशरी में बी कीपिंग में कैटल फार्मिंग में सब में क्या है रेगुलर क्लीनिंग टेम्परेचर का मेंटेनेंस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें क्या इनकी बहुत जरूरी होती है तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर को यहां पर क्या कर दिया ओवर कर दिया है ठीक है यदि आपका कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरा नंबर लिख लीजिए नाइन फाइव फोर जीरो टू नाइन सेवन थ्री सेवन एट ठीक है यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो आज आपका साइंस का सिलेबस क्या हो गया कंप्लीट पूरा हो चुका है ठीक है और अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैथ्स के दो चार क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट कर देंगे ट्यूजडे को एंड देन आपका मैथ और साइंस दोनों का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड विद दिस गुड नाइट मिलते हैं ट्यूजडे को नौ बजे एंड टिल देन गुड नाइट